दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना, पर भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है, और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। मुल्क में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की तादाद हुई 14,759, मरने वालों की तादाद हुई 590, इलाज के बाद 3,251 लोग सेहतियाब। गुज़िश्ता 14 दिनों से 59 अजला में कोरोना वायरस का एक भी नया मामला नहीं आया सामने। COVID-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 4 रियासतों में जाएंगी मरकज की 6 टीमें, मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र में 2-2, नीज राजस्थान और मध्य प्रदेश में जाएगी 1-1 बैन वजारती टीम। जमीनी हकीकत का जायजा लेने के बाद मरकज को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। आलमी सेहत तंजीम ने दी वार्निंग, बगैर कौमी यकजहती और आलमी इतिहाद के आने वाला वक्त हो सकता है मजीद चैलेंजिंग। कहा कई मुल्क ले रहे हैं गलत फैसले, COVID-19 को बताया दुनिया का दुश्मन नंबर 1। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 24,80,000 से ज्यादा लोग मुतासिर, खतरनाक वायरस से 1,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका, इटली और स्पेन के बाद फ्रांस सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में रिहाइश पर आरजी रोक के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर करेंगे दस्तखत। और इसराइल में साल भर से जारी सियासी तातुल हुआ खत्म, वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू और उनके सियासी हरीफ बेनी गेट्स ने एक इमरजेंसी इतिहादी सरकार बनाने के लिए मुहिदे पर किए दस्तखत। गुज़िश्ता साल अप्रैल, सितंबर और 2 मार्च 2020 में इंतखाब के लिए बेनतीजा रहने के बाद किया गया ये समझौता। सरकार ने कहा भारत में मुस्लिम हैं खुशहाल, जो लोग माहौल खराब करने की कर रहे हैं कोशिश वो कभी नहीं हो सकते उनके दोस्त। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा वजीर आजम मोदी हमेशा 130 करोड़ भारतीयों की फलाह की करते हैं बात। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने काबीना में की तोसी, 5 नए अराकीन असेंबली को दिलाया गया ओहदे और राजदारी का हलफ। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है, मैं हूँ आपके साथ वही महमद। वजारत सेहत ने जो ताज़ा जानकारी दी है इसके मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले 14,759 हैं, जबकि अब तक 590 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 3,251 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना के मामलों को काबू में रखा जाए, इसी वजह से लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें। और कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मरकज की 6 टीमें 4 रियासतों का दौरा करेंगी, मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र में 2-2 और राजस्थान और मध्य प्रदेश में 1-1 बैन वजारती टीमें जाएंगी। ये टीमें ज़मीनी हालात का जायजा लेने के बाद मरकज को रिपोर्ट सौंपेंगी। ये टीमें ज़रूरत के मुताबिक रियासती हुकूमतों को ज़रूरी हिदायत भी दे सकती हैं। मरकज की तरफ से 2 टीमें मगरबी बंगाल में जाएंगी, 1 टीम कोलकाता, हावड़ा, शुमाली 24 परगना और मिदनापुर जाएगी, जबकि दूसरी टीम दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग में एक ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लेंगी। एक टीम मध्य प्रदेश जाएगी जो इंदौर का दौरा करेगी। महाराष्ट्र में 2 टीमें जाएंगी, 1 टीम मुंबई का दौरा करेगी जबकि दूसरी टीम पुणे की जमीनी सूरत हाल का जायजा लेगी। एक टीम राजस्थान जाएगी जो वहां जयपुर के जमीनी हालात का जायजा लेगी और मरकजी हुकूमत को रिपोर्ट सौंपेगी। और आलमी दर सेहत WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस से
नामी मौजूदा आलमी मसले से निमटने के लिए हम सब को मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। इदारे के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदनोम ने इंतबाह देते हुए कहा कि कौमी और आलमी इतिहाद के बगैर आने वाला वक्त मजीद चैलेंजों से भरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि कई मुल्क गलत फैसले कर रहे हैं। कोविड-19 को दुनिया का दुश्मन नंबर वन करार देते हुए टेड्रोस ने कहा कि इस बहरान के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं होने के सबब कई मुल्कों में सूरत-ए-हाल संगीन हो गई है। कोरोना वायरस इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। और महाराष्ट्र में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के जरिए हर सतह पर कुछ ज़रूरी कदम उठाए गए हैं। पेश है हमारी नुमाइंदा श्यामा मिश्रा की ये खुसूसी रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्य में पॉजिटिव कोविड-19 केसेस की संख्या अब 4,700 के करीब पहुँच रही है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने ये भी कदम उठाया है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परमिशन दिया जा रहा है उसके तहत आप एक स्पेशल वेबसाइट में जाकर परमिशन सीक कर सकते हैं। साथ ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स जो हैं, एंटी मलेरिया टैबलेट्स, उसे भी कुछ जगहों पर हॉटस्पॉट्स जो जगह हैं वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा गया है ताकि वहाँ के लोगों की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ाई जा सके। साथ ही महाराष्ट्र में हमने ये भी देखा कि रैपिड टेस्टिंग जो है वो 75,000 के करीब होने वाले हैं और कई सारे ऐसे अन्य कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। और नाज़रीन, बढ़ते दर्जे हरारत के साथ बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के खिलाफ हमारे चैलेंजेस। ऐसे हालात में बिजली की सप्लाई का कितना अहम रोल है, इसका जायजा लिया जयपुर में हमारे नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने। धीरे धीरे अब गर्मी बढ़ रही है और ऐसे में बढ़ रही है बिजली की खपत। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सफाई कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी अपना रोल निभा रहे हैं, लेकिन सोचिए अगर हमें 24 घंटे बिजली ना मिले तो क्या होगा। मैं इस वक्त हूँ जयपुर के हासाकोटी सब स्टेशन में। आइए चलते अंदर और देखते हैं किस तरह से यहाँ पर 24/7 बिजली की सप्लाई जारी करने के लिए यहाँ पर स्टाफ तैनात रहता है। ये जयपुर के अलग अलग इलाकों के नाम लेते हुए चांदपुर, जुधायपुरी, बस कपड़ा, इंदिरा नगर, इंदिरा बाजार। चौधरी साहब, ये बताइए कि किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं इतनी मुश्किल घड़ी में। ये वैश्विक महामारी कोविड-19 जो पूरे विश्व में छाई हुई है और हमारा विभाग 24/7 वर्किंग आवर में ये बिजली सप्लाई करना रूप से चालू रख रहा है और जब भी किसी तरह की कोई कंप्लेंट आती है तो उसको हमारी टीम तुरंत जाके उसको रेक्टिफाई करती है। कितना स्टाफ तैनात रहता है एट ए टाइम? 1/3 स्टाफ हमारा एट ए टाइम यहाँ तैनात। 1/3 बोले तो 1/3 का मतलब जो भी मेंटेनेंस की टीम है उसमें 3 या 4 व्यक्ति एनी टाइम यहाँ रहते हैं। जैसे कि आप पूछ रहे हो 1/3 स्टाफ हमेशा यहाँ पर तैनात रहता है और यहाँ पर जी बताइए कि एक लेडी होने के नाते ऐसी मुश्किल घड़ी में जब आप ड्यूटी करती हैं तो वो कितना सेंस ऑफ प्राइड देता है आपको? सर, इट इज बीइंग अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ प्राइड फॉर मी कि एटलीस्ट ऐसे टिपिकल मोमेंट में मैं अपने कंज्यूमर्स को पूरी व्यवस्था प्रदान कर पा रही हूँ, अच्छी तरीके से पूरी सप्लाई मेंटेन कर पा रही हूँ, उनकी जो भी शिकायत है उनका निवारण हो रहा है टाइमली। सो आई एम वेरी प्राउड फॉर दिस कि एटलीस्ट सरकार हमें ये चीज़ दी है कि आप ऐसे टाइम में उनकी मदद कर सकते। ये अलग अलग अपने हाजापुरी सब स्टेशन है जिसमें ये अलग अलग फीडर हैं अपने, जिसमें ये यहाँ मेन सप्लाई आती है 11 KV की, इससे ये चांदपुर सब स्टेशन चांदपुर फीडर है, ये विधायकपुरी, ये अलग अलग फीडर के नाम है, ये बस कपलर है, बस कपलर वन और मैन। कितने एरिया को आप कवर करते हैं? ये इस पूरे जो बनीपार्क एरिया में रेलवे स्टेशन आपका आकाशवाणी ये गोपालवाड़ी और ये सब लोग पूरी मुस्तैदी के साथ 24/7 तैनात रहते हैं ताकि मुझको और आपको बिजली की सप्लाई बिना रोक टोक बिना रुकावट के मिल सके। विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, जयपुर। और कोरोना की वबा के दरमियान शहर को साफ सुथरा बनाने में मसरूफ सफाई मुलाजमीन का शिमला के लोगों ने जमकर खैर मकदम किया। बाशिंदगाने शहर ने फूलों का हार पहनाकर उनका शुक्रिया अदा किया। लॉकडाउन के दौरान जहां सभी लोग अपने अपने घरों में हैं, वहीं सफाई मुलाजमीन सुबह से लेकर रात तक शहर को साफ सुथरा बनाने में मसरूफ रहते हैं।
और दिल्ली पुलिस ने हरियाणा से दिल्ली में शराब की स्मगलिंग के इल्जाम में यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी श्रवण राव को देर रात गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस को इत्तला मिली थी कि लॉकडाउन के दौरान बड़ी मकदार में हरियाणा से गैरकानूनी शराब दिल्ली लाकर स्मगलिंग की जा रही है। इल्जाम है कि श्रवण की गाड़ी पर जरूरी खिदमात का पास भी लगा हुआ था, जिसकी आड़ में वो शराब की सप्लाई कर रहा था। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान काबीना में आज तौसी की गई है। शिवराज सिंह चौहान ने 5 अराकीन असेंबली को नई काबीना में शामिल किया है। सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा ने वजीर के ओहदे का हलफ लिया। नरोत्तम मिश्रा के अलावा कमल पटेल, मीना सिंह, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को भी काबीना में जगह दी गई है। और अकलियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सेकुलरिज्म और हम आहंगी भारत और बाशिंदगाने भारत के लिए पॉलिटिकल फैशन नहीं बल्कि परफेक्ट पैशन है। मरकजी वजीर ने कहा है कि मुल्क के वजीर आजम जब भी बात करते हैं तो उसमें मुल्क के 130 करोड़ अहले वतन की तरक्की की बात शामिल होती है, और अगर किसी को ऐसा नहीं दिखता है तो ये उसकी दिक्कत है। मोदी जी हमेशा 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के हितों की बात करते हैं। 130 करोड़ लोगों की आंखों में खुशी और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए बात करते हैं। अगर ये किसी को नहीं दिख रहा है तो ये उनकी अपनी समस्या है। हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक, हिंदुस्तान के समाज का सभी वर्ग खुश है और वो उस खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा है। और जो लोग इस तरह के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी भी तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। और नाज़रीन बात कोविड-19 के सबब मजहबी उमूर की अंजाम दही बिलखसूस रमज़ान के पेश नज़र एहतियाती इकदाम से मुतालिक खबरों की। नाज़रीन रमज़ान के मुनासबत से दुनिया भर के लोगों को घर में ही रहकर इबादत करने की हिदायत दी जा रही हैं। इन हिदायत का मकसद कोरोना वायरस को फैलने से रोकना है। पेश है हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। रमज़ान के दौरान कोरोना से बचाव के लिए दुनिया भर में अहकाम जारी किए गए हैं। लोगों से कहा गया है कि वो घरों में रहकर ही इबादत करें। सऊदी अरब की हुकूमत ने मक्का और मदीना में लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी है। रमज़ान के दौरान भी उम्रे पर पाबंदी जारी रहेगी। मुत्तहदा अरब अमारात में मजहबी उमूर की कौंसिल ने फतवा जारी किया है, जिसके मुताबिक सेहत से मुतालिक ज़रूरी अहकामात पर अमल करना मजहबी फरीजा है। ईरान में भी हर तरह की तकरीबात पर पाबंदी का ऐलान किया गया है। वहाँ पर रमज़ान में नमाज और इफ्तार के लिए लोगों के जमा होने पर पाबंदी रहेगी। दुनिया की मशहूर दीनी दरसगाह मिस्र की जामिया अल अज़हर ने WHO की हिदायत पर अमल करने को कहा है। इराक के मजहबी रहनुमा आयतुल्ला अली सिस्तानी ने एक फतवा जारी करके डॉक्टरों के मशवरे पर अमल करने को मजहबी फरीजा करार दिया है। तुर्की में मजहबी उमूर के सरबरा अली अरबाश ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने वबा की रोकथाम के लिए इस्लामी तरीकों पर अमल करने की वकालत की है। उधर कुवैत में अजान के अल्फाज में तब्दीली की गई है और अब लोगों से घर पर ही नमाज पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। जर्मनी में मुसलमानों की मरकजी कौंसिल ने हिदायत जारी की हैं। इसमें कहा गया है कि इस बार रवायती अंदाज में रमज़ान मनाना मुमकिन नहीं होगा और तरावी की नमाज भी जमात से नहीं होगी। इसके अलावा दीगर मुल्कों में भी लोगों को एहतियात बरतने के अहकाम दिए गए हैं। नाज़रीन मरकजी वजीर ने कहा है कि मुल्क सभी मुस्लिम मजहबी पेशवाओं, इमामों, मजहबी समाजी तंजीमों और भारत के मुस्लिम समाज ने मुश्तरक तौर पर 24 अप्रैल से शुरू हो रहे रमज़ान के मुकद्दस महीने में घरों पर ही रहकर इबादत करने का फैसला किया है। 24 अप्रैल से रमज़ान का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और देश के सभी धार्मिक धर्मगुरु, उलमा, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन ने एकजुट होकर के देश निर्णय किया है और अपील की है मुस्लिम समाज से कि रमज़ान के इस पवित्र महीने में हम इबादत, इफ्तार, तरावी या और भी जो रमज़ान के महीने के हमारे धार्मिक कर्तव्य हैं उनको हम अपने घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके उन कर्तव्यों को पूरा करें।
और नाज़िम मुल्क के मशहूर और मारूफ मजहबी रहनुमा और इस्लामी स्कॉलर लोगों से मुसलसल अपील कर रहे हैं कि वो सरकार के जरिए जारी की गई लॉकडाउन से मुतालिक कर रहनुमा हिदायत की मुकम्मल पाबंदी करें और रमज़ान में घरों में रहकर ही इबादत करें। आइए सुनते हैं कुछ ऐसे ही रहनुमाओं की अपील। कि हम अपने मजहब का पालन कर रहे हैं, अगर हम अपने घरों में ही रमज़ान शरीफ को भी पूरा कर रहे हैं। हमारे जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब हैं, उन्होंने हमको बहुत पहले ही, आज से 1500 साल पहले ही बता दिया था कि ऐसी अगर कोई सिचुएशन होगी तो आप अपने घरों पर ही इबादत करेंगे, मस्जिद में जाने की आपको बिल्कुल कतन कोई ज़रूरत नहीं है। और आपने ये भी देखा कि कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जो खाने काबा मक्के मुकर्रमा के अंदर सऊदी अरब के अंदर है, पूरी दुनिया से 24 घंटे वहाँ हर वक्त उसका परिक्रमा होता रहता है, लोग बाग उसके। लेकिन अब जब से ये फैला है कोरोना, उस वक्त से लेकर आज तक वहाँ पर बिल्कुल कोई जा भी नहीं रहा है। तो जब इतनी बड़ी पवित्र जगह के ऊपर, जहाँ मदीने मुनव्वरा के अंदर आप प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मज़ार है, ग्रेव है आपकी, वहाँ पर कोई नहीं जा पा रहा है, तो अपनी अपनी मस्जिदों में तो कोई जाने का मतलब ही नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सबकी इस अपील को पूरे मुल्क में हमारे मुसलमान भाई इसके ऊपर अमल करेंगे। हुकूमत की जो तरफ से जो हिदायात हैं और महकमाए सेहत हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो हिदायात दी गई हैं, उन हिदायात की पूरी तरह से पाबंदी की जाए। रमज़ान मुबारक के इस मुबारक महीने में, इन हालात में यकीनन हमें अपने घरों में ही रहकर ये इबादत करनी है। 5 वक्त की नमाज जिस तरह हम अभी घरों में पढ़ रहे हैं, इसी तरह से हम ये नमाज़ें और ख़ास तौर से तरावी की नमाज भी घर में अपने घर के लोगों के साथ मिलकर पढ़ें। वहाँ भी इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि करीब करीब खड़े न हों, दूर खड़े हों। कोरोना वायरस एक मोहलिक वबा है, हुकूमत ने सही वक्त पर लॉकडाउन किया, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। अपने तमाम भारतवासियों से, ख़ास तौर पर मुसलमानों से अपील करता हूँ कि वो 5 वक्ता नमाजें, जुमे की नमाज अपने घरों में अदा करते रहें और आने वाले रमज़ान में तरावी की नमाज भी घरों में अदा करें और बग़ैर किसी वजह के बाहर ना निकलें, बल्कि लॉकडाउन का मुकम्मल पालन करें। रमज़ानुल मुबारक यानी नेकियों का महीना आ रहा है, इसके लिए आलम इस्लाम को हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। रमज़ान के महीने में भी हमारी लोगों से यही अपील है कि ये सब्र व सबात का महीना है, ये इस्तग़ना और तवक्कुल का महीना है, ये खुदा से लो लगाने और उसकी किताब से अपना ताल्लुक़ बनाने का महीना है। हमारी मुसलमानों से ये अपील है कि वो अपने घरों में रहकर ही तरावी हो या रमज़ान के दूसरे जो भी उनके मामूलात हैं उनको अंजाम दें और इस बात से परहेज करें कि लॉकडाउन या सरकारी उसूलों या सेहत के मामले में जो हिदायत जारी की गई हैं उनकी कोई खिलाफ वर्जी हो, क्योंकि ये इस्लाम के मुताबिक नहीं हो। और नाज़रीन, अब मुल्क के नौजवान तबके की बात करते हैं। मुल्क के मुस्लिम नौजवान भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घरों में रहकर ही इबादत करें और रमज़ान के दौरान भी इसी तरह की हसासियत का मुजाहरा करें जिस तरह वो अभी लॉकडाउन पर अमल कर रहे हैं। और नाज़रीन, अब बैन अल-अक़वामी खबर पर नजर डालते हैं। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में जारी है, अमेरिका और यूरोप के कई मुल्कों में सूरत हाल तशवीशनाक है। पेश है ये हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में मुसलसल बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा अमेरिका को मुतासर किया है। अमरीका में गुज़िश्ता 24 घंटे में 1433 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की तादाद 42,000 से ज्यादा हो गई है। फ्रांस में कोरोना वायरस के सबब मरने वालों की तादाद 20,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका, स्पेन और इटली के बाद फ्रांस चौथा मुल्क है जहां कोरोना के इन्फेक्शन की वजह से 20,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।
इटली में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले लोगों की तादाद में पीर को पहली मर्तबा कमी दर्ज की गई। मुल्क में इन्फेक्शन का सबसे पहला मामला फरवरी में सामने आया था। मरने वालों की तादाद में 454 के इजाफे के बाद यह तादाद 24,114 तक पहुंच गई है। स्पेन में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 399 लोगों की मौत हुई, जबकि इससे एक दिन पहले मरने वालों की तादाद 410 थी। हुकूमत ने पीर को यह जानकारी दी। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक स्पेन में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद तकरीबन 2,02,210 हो गई है। सिंगापुर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 1,426 लोगों के मुतासिर होने की तस्दीक हुई है। सिंगापुर इंतजामिया ने वायरस पर रोक लगाने की तदाबीर के अलावा जांच शुरू कर दी थी और निगरानी बढ़ा दी थी। इस वजह से मुतासिरों की तादाद में कमी आई थी। ताहम पीर के रोज 1,426 लोगों के मुतासिर होने का मामला सामने आया। वजारत सेहत के मुताबिक अब तक इस मुल्क में 8,014 लोगों में इन्फेक्शन पाया गया है और 11 लोगों की मौत हो चुकी है। नए मामलात में सिर्फ 16 मामलात ही ऐसे हैं जिनका ताल्लुक मुकामी बाशिंदों से है, जबकि दीगर मामलात का ताल्लुक गैर मुल्की शहरियों से है। उनासी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पोशीदा दुश्मन के हमले की रोशनी में साथ ही हमारे अजीम अमरीकी शहरियों की मुलाजिमतों की हिफाजत की जरूरत के पेश नज़र में अमरीका में इमिग्रेशन को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करूंगा, ये उन्होंने ट्वीट किया है। और हांगकॉन्ग की चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर कैरी लैम ने कोरोना वायरस के कहर से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की तदाबीर में 7 मई तक तोसी का ऐलान किया है। काबिल जिक्र है कि हांगकॉन्ग में दूसरे मुल्कों की तरह पूरे शहर में लॉकडाउन नहीं किया गया है। गुज़िश्ता 6 हफ्तों में कोरोना इन्फेक्शन का कोई भी नया मामला नहीं आने से अवामी तकरीबात, मेकदों और दीगर जो शोज और पर आयद पाबंदी 24 अप्रैल को ख़त्म होने जा रही है। एशिया का माली मरकज कहलाने वाला हांगकांग में अब तक इन्फेक्शन के 1,025 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 4 अफराद की मौत हो चुकी है। और एक बार फिर बात करते हैं मुस्लिम नौजवानों की। मुल्क के मुस्लिम नौजवान भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घरों में रहकर ही इबादत करें और रमज़ान के दौरान भी इसी तरह की हसासियत का मुजाहरा करें जिस तरह वो अभी लॉकडाउन में कर रहे हैं। मेरा नाम उमैर अहमद ख़ान है और मैं आप सभी से मुंबई से मुखातिब हूँ। पेशे से रेडियो जॉकी हूँ और आप सभी के दरमियान एक छोटी सी अपील लेके आया हूँ रमज़ान के 5 महीने के हवाले से। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि जितनी भी इबादत करनी है आपने, रोज़े, नमाज, कुरान, वो इस महीने पिछले रमज़ानों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होकर घरों में ही कीजिए। आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद परवेज़ दहली से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मर्सिडीज़ बेंज में। हमें रमज़ान के महीने में अपनी नमाज, अपनी इबादत, अपनी तिलावत कुरान घर में रह कर के ही करनी है। जैसे कि उलेमाओं ने कहा है कि जो सवाब हमें मस्जिद में जाकर के इबादत करने से मिलता है, वही हमें सवाब घरों में रह कर के इबादत करने से मिलेगा। Everyone, Assalamu Alaikum. This is Akhlat Khan, a UP-based journalist. I am here to make an appeal to the people of the country. Ramzan is commencing. जैसे कि आप लोगों ने शब-ए-बरात पे बहुत अच्छी मिसाल कायम की है, ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं कि आप रमज़ान में भी ओबीडियंट रहेंगे, सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे और अपने घरों में रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहिए, रमज़ान में इबादत अल्लाह की घर से कीजिए। सवाब और सब चीज़ देने वाला अल्लाह है, उस पर यकीन रखिए, वो आपको घरों से भी सब चीज़ अदा करेगा। एंड हेल्प अस टू फाइंड दिस पेंडेमिक। अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद मुर्शद नुमानी अलीगढ़ से आपकी खिदमत में एक अपील लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरा पेशा आर्किटेक्चर है। मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आने वाले मुबारक महीना यानी रमज़ान में नमाज